हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कागज़ का एक फूल। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 6 स्क्वायर पेपर, 1 स्क्वायर पेपर लेके उसको बीच में से इस प्रकार मोड़ के और उसके ऊपर इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसको बैक साइड में वापस से एक एक फोल्ड और कर लेना है। और ये जो फोल्ड किए हैं इनको खोल के और इसको पीछे की तरफ इस प्रकार मोड़ लेना है। फिर इसको बीच में से दोबारा से फोल्ड करके और विंग्स बना देने हैं। दोनों विंग्स के ऊपर फेविगम की सहायता से इनको चिपका के और रख देना है। बाकी के जो 5 स्क्वायर पेपर हैं उनको भी सेम प्रकार से बना लेना है। मैं 5 स्क्वायर पेपर को भी बना रहा हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो। किधर नोचिगो तो नो और ये 6 के 6 पेपर तैयार हो चुके हैं। इसके बाद हमने फेविगम देख सकते हो कहाँ पे चिपका है, सभी 6 स्क्वायर पेपर में वहीं पे फेविगम चिपका है। और सभी 6 स्क्वायर पेपर को एक जगह पे जोड़ देंगे इस प्रकार से। रेडी हो चुका है हमें फूल की डंडी भी बनानी है। इसके लिए हम एक कागज लेके जब दोनों स्ट्रिप्स तैयार हो जाएंगे पिनागो इकुना तो हमें इन दोनों स्ट्रिप्स को भी इस फूल के अंदर ही ऐड कर देना है। और ये हमारा फूल आसानी से बनके तैयार हो चुका है। आप भी इसे आसानी से अपने घर पे एक सादा कागज की सहायता से बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन